शुरू करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। गुजरात दंगों को लेकर बड़ी खबर है। नरोदागाम केस में फैसला। नरोदागाम केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, गुजरात दंगा केस और इस मामले में सभी आरोपियों को बरी किया गया है। नरोदागाम केस में फैसला आया है। देखिए, इतने सालों के इंतजार के बाद ये फैसला, लेकिन नरोदागाम केस में जानकारी ये कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात दंगा केस से जुड़ी हुई नरोदागाम केस में ये बड़ा फैसला आया है और बड़े फैसले के तहत जितने भी आरोपी थे उन्हें सभी को बरी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात दंगा केस से जुड़ी हुई नरोदागाम केस में फैसला आया है। नरोदागाम केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। लेकिन देखिए, उम्मीदें इस मामले को लेकर लोगों की थी बरकरार, लेकिन अब जब इतने सालों के बाद फैसला आया तो इसे आरोपियों के बरी होने के लिहाज से अगर समझा जाए तो उन लोगों को दुख भी इसमें, जिसके परिवार के लोग इसमें चले गए, माया को जनानी समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात दंगा केस से जुड़ी हुई नरोदागाम केस में सभी आरोपियों को बरी किया गया है। माया कोडनानी समेत सभी आरोपी इस मामले में कोर्ट की ओर से बरी कर दिए गए हैं। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी किया है। बिल्कुल जयती, और पूरी सुनवाई पर हर किसी की नजर थी। नरोदागाम केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बताएं कि कुल मिलाकर इस सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और उस सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री, भाजपा नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल समेत 86 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बड़ा फैसला कि आरोपी जो है सभी वो बरी हो गए हैं। गुजरात दंगा, वो आपको याद होगा, भीषण जिस तरीके से हिंसा हुई थी, और ये पूरा जो मामला है दरअसल हिंसा से जुड़ा हुआ ही पूरा मामला, जो साजिशकर्ता जिन पर आरोप लगे, आज उस पूरे मामले पर फैसला आया और जो आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर बरी किया गया है, क्या तथ्य उनके खिलाफ नहीं थे जो पेश होने चाहिए थे। गुजरात दंगा नरोदागाम केस में फैसला आया है और फैसला यह आया है कि नरोदागाम केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं और देखिए, आज इस फैसले पर ही हर किसी की नजर थी कि क्या कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है। आपको बताएं कि 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के पास नरोदा में सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोग मारे गए थे। 11 लोगों की मौत हुई थी हिंसा में, सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और उस सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों पर आरोप लगे थे, लेकिन आज जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और इसमें माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल समेत 86 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बिल्कुल दीपिका, बड़ी खबर, क्योंकि जो गोधरा कांड था, गोधरा कांड के अगले ही दिन ये वाकया आया था सभी के सामने और लोग उस दंश से अब तक उबरे भी नहीं थे, लेकिन अचानक से ये फिर से हुआ और उसके बाद अब इतने साल के बाद जिस फैसले की उम्मीद थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन झटका भी उन परिवारों के लिए जिनके लोग इस दंगे के दौरान चल बसे थे। गोधरा कांड के अगले दिन यानी कि 28 फरवरी को नरोदा गांव में पूरे बंद का ऐलान किया गया था। आप जानते होंगे, कभी भी कोई सांप्रदायिक इस तरह का दंगा होता है तो ग्रामीण आवेश में आकर बंद का ऐलान कर देते हैं, एक तरीके से अपना रोष प्रकट करने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान सुबह 9 बजे लोगों की भीड़ बाजार बंद कराने पहुंची और उसी दौरान हिंसा भड़क उठी। हिंसा वहां पर इस कदर भड़क गई कि वहां पर इसने कुछ ही देर के बाद दंगे का रूप ले लिया। लोगों की मौत हो गई, सांप्रदायिक दंगा इसको घोषित कर दिया गया। लेकिन अब इतने सालों के बाद 2002 का ये वाकया और अब 2023 में जाकर इस पर फैसला आया है। अहमदाबाद की विशेष कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आज भी उतनी ही ताजा नजर आ रही है। जिस समय न्यूज़पेपर में इस तस्वीर को देखकर हम सहम गए थे, ठीक वैसी ही तस्वीर अभी भी नजर आ रही है। Thank you.
तो देखिए अधिवक्ताओं से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश अभी मीडिया कर रही है और मुखातिब होने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच में पूरा फैसला जो भी रहा और वकील की तरफ से जयती यही बताया जा रहा है कि किस तरह से कोर्ट का फैसला है। लेकिन जयती ये बात बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है क्योंकि जब आरोप लगे थे माया कोडनानी पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि सुबह के वक्त उनके साथ वो गुजरात विधानसभा में थी, उन्होंने पूरी तरीके से आरोपों को दरकिनार कर दिया था। वकील क्या कुछ कह रहे हैं? स्ट्रेसफुल रहा, सवेरे 10 बजे थी, तमाम लोग कोर्ट कैंपस में कोर्ट हाउस में मौजूद था। सवार एक तबके चुकादो 3 वाग्या मुलतवी राख्यो, 3 वाग्या बाद बधा कोर्ट हाउस में प्रेजेंट हता। लगभग 5:30 वाग्या अरसा में 5:20 पछी थी नामदार कोर्टे बोर्ड पर आया। नामदार डेजिग्नेटेड कोर्टना जज सुखदाबेन बक्षी साहेबे आरोपीनी हाजरी लीधी पोतानी प्रेजेंट में अने त्यारबाद चुकादो जाहिर कर्यो। इट वॉज वन लाइन वर्डिक, तमाम आरोपीओने छोड़ी मुकवानो हुकम करवामां आवे छे। सर आज नरोड़ा गाम केस में जजमेंट दिया है, क्या कहेंगे, क्या जजमेंट आया है? सर फ्रंट फ्रंट सर इधर देख, नामदार कोर्ट ने आज सभी अभियुक्त को बरी करने का आदेश जारी कर दिया है ओपन कोर्ट में। क्या रीजन दिया है? नो रीजनिंग गिवन जस्ट नाउ, स्टिल वी हैव नॉट ऑब्टेन एनी कॉपी ऑफ द जजमेंट। कितने थे सर आरोपी? कुल मिला के 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम हुआ था, उनमें से 67 मौजूद थे, एक एक्यूज आज एबसेंट था जिसकी प्रेशर बढ़ गया था, ऐसी बात थी। थैंक यू का स्टेटमेंट वो ये कि सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। वकील की तरफ से जानकारी दी गई है, गोधरा कांड के बाद जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा नरोदा में भड़की थी और सांप्रदायिक हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी और जिन लोगों की जान गई उनके परिवार वालों को यही उम्मीद थी कि शायद जिन्होंने इस पूरी सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया उनको सजा मिलेगी। लेकिन आज जब कोर्ट का फैसला आया तो कहीं ना कहीं मायूसी उनको भी हाथ लगी। माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है, अहमदाबाद की दरअसल विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया था और जब आरोप माया कोडनानी पर लगे थे तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि जिस समय सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी उस समय मैं तो विधानसभा में थी, लेकिन उसी दौरान एक चश्मदीद ने यह बताया कि नहीं, उन्हीं के कहने पर हिंसा भड़की थी, गंभीर आरोप उन पर लगे थे, पूरे मामले में जांच चल रही थी और पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आज जब कोर्ट का फैसला आया तो एक लाइन का स्टेटमेंट आता है कि सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। जैसा कि वकील की तरफ से बताया गया कि 67 आरोपियों की उपस्थिति थी और एक लाइन का स्टेटमेंट कि सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि क्या किस आधार पर इन आरोपियों को बरी किया गया है, क्या पूरी तरीके से इनके खिलाफ वो तथ्य नहीं पेश हो पाए जो इनको ये साबित कर पाए कि ये दोषी हैं, आरोपी हैं, दोष सिद्ध नहीं हो पाए, क्या इसीलिए कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। तो देखिए 11 लोगों की जान चली गई थी सांप्रदायिक हिंसा में, चारों तरफ अफरातफरी का माहौल था, चीख पुकार हर तरफ थी और सांप्रदायिक हिंसा की वजह से 11 लोगों की जान चली गई थी, चारों तरफ आगजनी ही सिर्फ नजर आ रही थी। बिल्कुल दीपिका, टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त वो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, कहने के लिए तो काफी साल पुराने विजुअल्स, लेकिन अभी भी जब देख रहे हैं तो ये एक एक तरीके की याद को ताजा करने वाले और समय जिस तरह से मीडिया में अखबारों में सुर्खियां ये खबर बनी थी, लोगों की उम्मीदें यही थी, 11 परिवारों की उम्मीदें यही थी कि इसके इतने साल के बाद जब फैसला आएगा तो राहत इन्हें मिलेगी और उन लोगों की आत्मा को भी शांति मिलेगी जिनकी जिंदगी अनायास ही यूं ही चली गई। एक बंद का ऐलान किया जाता है, लोग आते हैं और कुल मिलाकर के इसको नरसंहार का भी नाम कई जगहों से दिया गया था, कई लोगों ने कहा कि ये तो नरसंहार था, लोगों पर आते ही पत्थरबाजी हो गई, उनके साथ मारपीट होने लगी, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन तमाम सारी चीजों के बाद आज जब ये फैसला आया है, सभी की उम्मीदें इस फैसले को लेकर थी लेकिन उम्मीदें यकीनन टूटी है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि 11 परिवार आगे क्या रुख करते हैं, विकल्प इनके पास भी कुछ बचता है या नहीं, क्योंकि अहमदाबाद की विशेष कोर्ट की ओर से
सभी आरोपियों को इंक्लूडिंग माया कोडनानी बरी किया गया है। माया कोडनानी जिनका नाम इतना ज्यादा उछला था इस मामले में, उन्होंने कह दिया था कि विधानसभा में वो थी और उसके बाद गोधरा कांड में हुए नरसंहार के दौरान जिन लोगों की मौत हो गई थी उनके शवों को देखने के लिए गई थी, परिवार के लोगों से मिलने वहां गई थी, लेकिन लोग बता रहे थे कि वहां मौजूद रहकर उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिससे वहां पर हिंसा और भड़क गई और लोगों को ज्यादा प्रोवोक करने की कार्य के आरोप उन पर लगे। लेकिन इन तमाम सारी चीजों का व्यर्थ अब माना जाना यहाँ पर उन परिवारों के लिए, क्योंकि एक उम्मीदें टूटने वाली बात हो जाती है। फरवरी 2002 की घटना नरोदागाम में हिंसा हुई, 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलने का दर्द उससे भी ज्यादा उनके परिवारों को इतने साल के बाद भी तड़पा रहा होगा, क्योंकि हर बार केस की सुनवाई के लिए पहुंचते होंगे। आप समझ सकते हैं कि इतने सालों के इंतजार के बाद कितनी तारीखें कोर्ट की होती होगी, कितनी पैरवियां करनी पड़ती होगी, एडवोकेट से कितनी मिन्नतें करनी पड़ती होगी, और अगर अपने केस को स्ट्रांग बनाना है तो एक एक सबूत को इकट्ठा करना, पेश करना, और उस समय जब विजुअल्स भी इतने ज्यादा नहीं हो पाते थे। अब तो चलिए सीसीटीवी फुटेजेस हो जाते हैं पुलिस के पास में कलेक्ट करने के लिए, लोगों से पूछताछ के लिए तमाम सारी चीजें होती है, लेकिन तब इतने सारे संसाधन नहीं होने के बावजूद भी इस मामले में सबूत इकट्ठे कर करके वहां पहुंचना, बताना, दलीलें देना, गवाही देना, तमाम सारी चीजों के बाद अब ये निर्णय सभी के सामने। पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में हुआ, उसकी प्रक्रिया को, रिएक्शन की प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए 28 फरवरी 2002 को नरोड़ा गांव में भी कुछ हादसे हुए जिनमें 11 लोगों की जान गई थी, कुछ मकानों को जलाया गया था, लुटपाट वगैरह का भी आक्षेप था। कोर्ट ने सन 2009 में 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम किया था, जिसमें 153A मतलब दो कौम के बीच में वैमनुष्य फैलाना, हत्याएं करना, लुटपाट करना, आगजनी करना और भी बहुत सारे चार्जेस थे। सभी चार्जेस में थे, सभी एक्यूज को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है, किसी को भी कोर्ट उठते तक की भी कोई सजा नहीं हुआ है। तो देखिए, किसी को भी सजा नहीं हुई है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सभी आरोपियों पर जो तमाम आरोप लगे थे कहीं ना कहीं अब वो खारिज हो जाते हैं, क्योंकि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। लगता है उस समय के अंदर ये प्रक्रिया में इतना लंबा विलंब हुआ है, लेकिन न्याय देर से मिला लेकिन दुरुस्त से मिला है। कोर्ट आरोपी विरोध जो आक्षेप था आक्षेपो खोटा था आक्षेपो पुरावार करवा सरकार निष्फळ गई है।